अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मेहरुल्ला। मैंने 90 में बॉक्सिंग खेली और 90 में शुरू की बॉक्सिंग। जब मैं बॉक्सिंग सीखने लगा तो मुझे घर वालों ने बड़ा मना किया कि आप बॉक्सिंग मत खेलो, यहाँ पे चेहरे पे मुक्के लगते हैं, आप कोई और गेम खेलो। हमारे खालू थे, वो भी हमारे बॉक्सिंग के बड़े अच्छे कोच और अच्छे रेफरी जज थे, जिनको मैंने परमिश की कि भाई मुझे बॉक्सिंग खेलने का शौक़ है, मुझे बॉक्सिंग खेलनी है। उनका अपना क्लब था, मुस्लिम आज़ाद बॉक्सिंग क्लब, उन्होंने बड़ी मुझे सपोर्ट की और घर वालों के साथ बात करके मुझे बॉक्सिंग में आने की इजाज़त दी। तो फिर मैंने बॉक्सिंग शुरू की 90 दिसंबर से। तो 90 से मेरी बॉक्सिंग बड़ी दिलचस्प, क्योंकि मैं उम्र में भी बहुत छोटा था और मुझे शौक़ भी बहुत था बॉक्सिंग का। इसी तरह से मैं बॉक्सिंग सीखते सीखते 95 में हमारा KPT में भर्तियाँ हुई हमारी, जिसमें हमारी 1000 रुपये सैलरी थी बेसिक में, वैसे ही कंटेक्ट में। फिर उसके बाद हमारी 96 में हमारा KPT ने कोच मंगाया एक क्यूबा से, रेनान्डो। फिर हमारी बड़ी अच्छी ट्रेनिंग हुई इंटरनेशनल कंपटीशन के हवाले से, बड़ी अच्छी हमारी टेक्निक आई बॉक्सिंग के अंदर। फिर हम इंटरनेशनल टूर्नामेंट भी उसके अंदर ही हमारा हुआ एक कैडेट जूनियर का, जिसमें मेडिकल अनफिट हो गया। तो पहली दफ़ा मेरी बॉक्सिंग हुई, जो मेरे भाई जैसा दोस्त था, अच्छा खिलाड़ी भी था रिंग में, तो उसके साथ मेरी जब फ़ाइट हुई तो उसने मुझे पहले ही फ़ाइट से यही कहा हुआ था कि भाई हम दोनों आपस में एक शो फाइट खेल रहे हैं, हम बिल्कुल ईजी कर खेलेंगे। तो उस टाइम पे कोई भी ख्यालात नहीं थे दिमाग के अंदर के इसके साथ किस तरह खेलना है। जब हमारी रिंग पे एक दूसरे के सामने आमने सामने हम आ गए, तो मुझे तो सब कुछ याद था कि मुझे इस तरह खेलना है, पर वो भूल गया था कि उसे किस तरह खेलना है। उसने अपने जितने भी फ़न थे, जितने भी उसने स्टाइल सीखे हुए थे, वो सब उसने मुझ पर आज़माए। तो उसमें मेरा दिल बड़ा दुखा, मैंने बोला यार हमने पहले से ही एक माइंड बनाया हुआ था कि हम रिंग पे इस तरह खेलेंगे एक दूसरे के साथ, लेकिन उसने मुझसे साथ इस तरह खेली है, तो मेरी बॉक्सिंग अब लूज़ हो गई है, मैं नहीं खेल सकता बॉक्सिंग। ट्रेनिंग में यही जो हम रनिंग वगैरह करते हैं स्टमने के लिए, पेट एक्सरसाइज करते हैं, रस्सी चलाते हैं, फिर जो हमारी बॉक्सिंग की ख़ास ट्रेनिंग होती है, जो हम बैक पंचिंग मारते हैं एक दूसरे के साथ, हम कंडीशन वगैरह करते हैं, उससे पहले हमें खड़ा होकर हमें मुक्का चलाना सिखाते हैं, जिसमें मुक्के की टाइमिंग होती है, जो हम 6-7 मुक्के अलग अलग किस्म तरीके से हम मारते हैं और उन्हें सीखते हैं। एशियन गेम्स के बाद मेरी कॉमनवेल्थ गेम में फ़ाइट हुई मलेशिया में, कोलालंपुर में, जिसमें अफ्रीका के सामने मेरी बहुत टफ फाइट रही, बहुत ही टफ फाइट रही, जिसमें मेरे पॉइंट दूसरे राउंड में बहुत लूज़ जा रहे थे, जिसमें मैं 8 पॉइंट से लूज़ चल रहा था। तो मुझे कोच ने नीचे से बड़ी यानी कि 2-3 चीज़ें समझाई कि भाई अब तुझे इस तरह खेलना है, क्यों लड़के में पावर भी ज़्यादा है, हाइट में भी लंबा है, अब तुम्हें उससे टेक्निक से खेलना है, अब तुम्हें इसके ऊपर हिट नहीं करना है बल्कि उसको अपने ऊपर तुझे बुलाना है। तो मैं उसको बिल्कुल ईजी जीत गया। मैंने इंटरनेशनल टूर्नामेंट्सों में 13 गोल्ड मेडल्स, 4 सिल्वर्स और 3 ब्रॉन्ज मेडल्स हैं मैंने। बहुत खुशी हुई, मुझे तो यकीन भी नहीं आ रहा था, हालांकि फ़ाइट भी जीता हुआ था, फिर भी मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मैं एशियन गोल्ड मेडल जीता हूँ। फिर वो मैंने फ्लैग लाया अपना, उसमें मुझे बड़ी खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा कि मैंने कोरिया के अंदर पाकिस्तान का एक तराना बजा। घर वाले तो बहुत खुश हैं कि भाई अब बॉक्सिंग ही खेलो, और अभी फिर इंशाल्लाह मैं कैंप में आया हूँ, यही कोशिश रहेगी कि घर वालों को एक दफ़ा फिर खुशी में देखें। सबसे बड़ी बात यह है कि ये बॉक्सिंग एक गरीबों की गेम है, क्यों उसमें कोई ऐसे नहीं है कि पैसे दे के कोई ज्वाइनिंग करे, इसमें कोई पैसे नहीं लगते, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिसको चाहे वो आ सकता है। ये कि नए नौजवान को बड़ी अच्छी तरीके से ट्रेनिंग करें, कोचों का एहतराम रखें, अपने से सीनियर लड़कों से कुछ सीखें। सबसे पहले मैं अपने वज़न 57 किलोग्राम के जो बॉक्सर्स हैं उनको मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ कि मेहरुल्ला एक दफ़ा फिर रिंग पर आ गया है और इंशाल्लाह फ़ाइट खेलूँगा, अपनी ट्रेनिंग करूँगा। सबसे पहले उन्हें गधेड़ूँगा जो हमारे मेरे वेट में 57 किलोग्राम में, फिर इंशाल्लाह ताला मैं एशियन गेम्स और साउथ एशियन गेम्स में इंटरनेशनल बॉक्सरों को हराऊंगा। सो